ये केंद्रीय DCYM का बैनर है। खाने को मिलेगा कुछ? क्या लाई है? कुछ नहीं। ये रही, ये दोनों मिल गई। भंडारी गीत की जो किताब है ना, वो उनके ये रचयिता है। और हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हाँ जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और हमारे पादरी बाबा भी साथ में हैं और फोटो वोटो शूट करवा रहे हैं। और बिशप कोमई को स्वागत के लिए ये सांस्कृतिक रीति रिवाज से यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। तो क्या है, बनी है लेकिन बहुत सुंदर है। मोर का पंख है। क्या बने आप लोग? अच्छा गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। और फिर से नए वीडियो में आप लोग ले चलते हैं। और जहां हम पहले गए थे हम वहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आप थंबनेल तो देख ही चुके हम कहां जाने वाले हैं। ये सेकंड वीडियो है और आप लोग दिखाने वाले हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गाइज रांची। आज लास्ट डे है ना कैंप का, लास्ट डायमंड जुबली मनाया जा रहा है, तो लास्ट है। आज 13 तारीख है, कल 14। कल सुबह सभी को विदाई दिया जाएगा है ना सवेरे। हम चले आज, क्योंकि आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मस्ती होगा। और फिलहाल हम जाने वाले हैं, अभी यहाँ अच्छा व्यू है, यहाँ पे नदी के ऊपर सिलादौन साइड है। ये क्या बोलते हैं, दसम पोल चल जाता है ये नदी, बहुत खूबसूरत है, मछली से पूरा पकड़ रहा है। तो यही रास्ता हम जाने वाले हैं, यहाँ से हम रिंग रोड निकलेंगे, यहाँ से फिर नामकुम, फिर बोगजार। तो चलिए हम निकलते हैं गाइस, और आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। और मेरे चैनल नया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जुबली वासी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, यही आप लोग से उम्मीद करते हैं। और ठीक है, अब मिलते हैं, चलिए कैंप और रास्ते पे चलिए। दिन का लास्ट दिन है तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए हम चलते हैं जहाँ स्टेज है उधर साइड चलते हैं। और बहुत सारा सुंदर मनाया जा रहा है, ये रहा कल सडन वगैरह आया हुआ था यहाँ पे, बहुत धूमधाम से मनाया था। हम थोड़ा नहीं पहुंच पाए लेकिन उसका कुछ क्लिप आपको दिखाएंगे है ना। तो ठीक है चलिए आगे की ओर चलेंगे हम लोग। BBS के बच्चे इसको पढ़ करके परमेश्वर को बहुत अच्छा लग रहा है। इधर कंपाउंड बहुत मस्त है। ये सरफाई बुक्स एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से 1900 दो हीरोइन नाम को मिली है और मेरे सामने इधर मौजूद है, साथ में आ रही है। इधर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। खाने को मिलेगा कुछ? क्या लाई है? कुछ नहीं। ये रही, ये दोनों मिल गई है। और कल जोरदार डांस किए थे ये दोनों, बहुत मजा आया था। बहुत मजा आया था। और कुछ दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत तो बहुत है। क्या चीज का? थोड़ी नहीं बोलेंगे। तो चलिए यहाँ हर एक पेरिस का यहाँ पे बैनर आप लोग देख सकते हैं। ये केंद्रीय DCYM का बैनर है, बहुत सुंदर। और यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है, ये सब हम कवर नहीं कर पाए फर्स्ट वीडियो में, और आज आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ का है। बहुत सुंदर लग रहा है बैनर, हर एक पेरिस का यहाँ पे है। और देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज है और शेड भी लगाया हुआ है मस्त टाइप का, यही आप लोग को दिखाए थे, आज फिर दिखाने वाले हैं। तो
तो चलिए अपने लोग किधर में हैं उधर हम जाते हैं पहले। तो चलिए यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं मंच पर उनको ये पुस्तिका दी जाए। हम लोग समय साइड से जाने वाले हैं क्योंकि अपना पेरिस इस साइड में है। जो हमारी मीडिया टीम है आप तैयार रहिएगा कि जो उनकी समय सीमा है वह आप स्क्रीन पर चला देगी। चलिए हम पहुंचे हैं। आगे से लेने की कोशिश करते हैं। ये रहा अपना पेरिस इधर में है। बोलते हुए प्रार्थना में याद करते हुए हर एक परिस्थिति में हम आनंद मनाते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर पिता हरेक को अगुवाई देता है और वह मौका देता है कि वह हरेक पल चाहे वह दुखी का समय हो या सुख का हो हरेक पल को हम आनंद मनाते हुए जिए। ये जिंदगी परमेश्वर पिता ने हम हरेक को दिया है और हमें हरेक पल। चलिए हमें अब यहाँ पर देखने वाले हैं जिधन सिंह हो रहा जो जब तक हमारे अतिथि गण आते हैं तो भोजन के लिए दुआ कर लेते हैं और उसके बाद हम भोजन देखिए ना ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को एक मिनट के लिए हम बंद रखेंगे कि हम भोजन के लिए दुआ कर सकें। हम आपको अनुरोध करोगे कि कृपया हमारे अतिथियों का बैच पहना करके हम स्वागत करेंगे। समय का ध्यान रखेंगे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान है। ये है और जल्द ही हम उनसे रूबरू हो पाएंगे। भंडारी गीत की जो किताब है ना वो उनके ये रचयिता हैं और उनके माध्यम से लिखा गया है। कई गानों के धुन दिए गए हैं और ये हमारे बीच में है और उनके सुपुत्र है ना उनके जो बेटे हैं उनके पीछे खड़े हैं है ना उनका नाम है रेवरेंड पवन है और वो भी हमारे बीच में है। अच्छा आप लोग पता नहीं वो गाना सुने हैं कि नहीं। अच्छा आप लोग मुझे लग रहा है कुछ कुछ पता है ना जुबली से रिलेटेड कुछ गानों को जानते हैं क्या मुकेरे मुकेरे इस गाने की ये रचयिता है ना तो जरूर से क्या आप उत्साहित हैं कि हम उनके साथ में इस गाने को एंजॉय कर सकते हैं। ओ तो ऐसे बैठे नहीं रहा बात हुई तो कृपया हम उनके सम्मान में खड़े हो जाएं और हम इस घड़ी उनके साथ इस गाने का हम आनंद ले सकते हैं और दोनों पुरोहित है ना पिता और बेटे साथ में मिलकर इस गाने की प्रस्तुति मुंडारी नागपुरी गीतों के सृजन करता और वो आज हमारे यहाँ हमारे बीच में है उनके साथ हम इस गाने का लुत्फ उठाए और हमको इसी मैं तो कोई सिंगर हूँ नहीं हंसी गाती हूँ क्षमा प्रार्थी हूँ बहुत सारे अवसर मिलता हूँ उनके लिए इसके बाद इतना साथ देने के लिए मैं आप सबों के बीच पचास वर्ष से जुबली में कौन कौन लोग थे बहुत लोग मिले लेकिन अभी तो नहीं खड़ा करेंगे पर काफ़ी लोग हैं और सारी बातें याद होगी लेकिन मुझको तो केवल एक ही बात याद है कि एक किलोमीटर आगना गढ़ा मैंने बनवाया था केवल उतना ही याद है। हेलो आशीष वर्दिया पीछे बैठे हैं आप सबों को आशीष वर्दिया और जो बोले कहते मैं जाओ जो बोले
हमारा खाली हो चुका है, बीच वाले रो आप जा सकते हैं भोजन के लिए। सेकंड रो हम भोजन के लिए जा सकते हैं। नहीं, फिर बाद में आप बोलिए करें कि हमने भोजन नहीं कराया। अच्छा, आप लोग भूखे भी रह सकते हैं मतलब। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी समिति के सहयोग के लिए कि हमें। तो आप लोगों ने देखा कि अब्राहम हेमपुर का कितना सुंदर गाना, कितना अच्छा बनाया हुआ गाना है और बहुत प्रसिद्ध है और एक्शन सॉन्ग भी करते हैं ये गाना में। भोजन होने वाला है तो चलेंगे भोजन की ओर, उसके बाद फैंसी ड्रेस होगा शायद, तो उसको भी अटेंड करेंगे। चलिए, यहाँ पे भोजन स्टार्ट हो गया है बांटना। बुलूम जोरों से लगा हुआ है। आधे को इधर ड्रेसअप कर रहे हैं और इधर फ्रेंड लोग पूरा तैयारी में हैं और तैयार भी कर रहे हैं, इधर पूरा डेकोरेशन कर रहा फैंसी ड्रेस का। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर क्योंकि उधर बहुत कोई ड्रेसअप किया हुआ है ना फैंसी ड्रेस का, तो चलिए हम लोग चलते। ये रहा, पूरा मस्त लग रहा है ड्रेसअप। तो हम लोग आगे की ओर चलेंगे, आगे को भी दिखाते हैं ना कौन कौन है, क्या क्या है, आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे ड्रेसअप किया हुआ है। ये रहा बहुत सुंदर लग रहा है। और इधर भी है एक, बहुत मस्त लग रहा है ड्रेसअप। और साथ में है ना, अच्छा इनके साथ कपल में ये भी हैं और ये भी बहुत सॉलिड लग रहे हैं। क्या माने आप लोग? अच्छा, तो चलिए अगले प्रतिभागी चलते हैं। ये नूतन जी, नूतन ब्लॉग मिल गए हैं तो इसके चैनल को भी जरूर सपोर्ट करें। कैसे हैं? ठीक हैं, आप कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं। आप आज दिख रहे हैं? आज
तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। यही बहुत सुंदर लग रही है, पता नहीं क्या है बनी है लेकिन बहुत सुंदर है। मोर का पंख है, ये है फैंसी ड्रेस का ड्रेस अप, बहुत सुंदर है। इधर भी राजस्थान का ड्रेस अप, राजस्थान का ड्रेस अप बहुत सुंदर है। और ये इधर भी है, और साथ में इधर भी है, मस्त टाइप का ड्रेस अप है। ये हल है इधर अमर जी, इधर में पूरा ड्रेस अप तगड़ा से। क्या अमर जी ठीक लग रहे हैं ना? ये पूरा नंबरिंग हो रहा है सबों का, नंबर के हिसाब से आगे एंट्री दिया जाएगा। यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं, धनबाद। और देखिए किशोरिया दुर्वा, ये रहे रामगढ़, रामगढ़ हजारीबाग, हजारीबाग नगर, खूंटी मनोहरपुर चलिए बॉयज का फैंसी ड्रेस जो इधर लाइन लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, हर एक पोशाक में आपको दिखेगा। ये रहा, हर एक पोशाक में आपको दिखने को मिलेगा, हर एक क्षेत्र का पोशाक है और बहुत ही सुंदर दिखेगा। देखिए ये रहे, बहुत सुंदर अभी ड्रेसअप किए हैं। अभी इन लोग के सामने से बिशप स्वामी का स्वागत होने वाला है। आप वापस लाकर उसको
हमारे पास जमा कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं। हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हाँ, जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और यही सपोर्ट है। कमरों के अंदर बैठ करके तो बहुत सुंदर एड्रेस आप लोग देख सकते हैं। और हमारे पादरी बाबा भी साथ में हैं और फोटो वोटो शूट करवा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर सब कुछ दिख रहे हैं ड्रेसअप, हर एक क्षेत्र के ड्रेसअप ये लोग करके एकदम परिधान प्रतियोगिता में हिस्सा लिए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है एकदम भाला और सब बहुत सारा कुछ। चलिए साथ ही इधर में ये सब स्वामी का स्वागत के लिए ये सांस्कृतिक रीति रिवाज से यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। तो ये लोग लाइन लगाए हुए हैं मुरु धर्म जिला के और फिर वो कैसे सही थे। बहुत सुंदर एकदम सजाए हैं। आज एक सुंदर और महान उत्सव में एकत्र हुए। जैसे मैंने सुबह कहा था कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इसी वायन के इतिहास की यात्रा में, स्वर्णिम इतिहास की यात्रा में मैं भागी हो पा रहा। आदरणीय महामहिम बिशप स्वामी वासुकी साहब, बिशप तिर्की साहब और ऋषि मैडम और पुरोहितगण और जितने भी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, और खासकर युवक और युवती यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके निमंत्रण के लिए जो आपने मुझे इस यात्रा में और इस यात्रा के पड़ाव में जो 75वीं साल जुबली में एक हिस्सा बनने के लिए आपने मुझे निमंत्रण किया, इसके मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जितने भी लोग प्राइज लेने के आ रहे कृपया ध्यान देंगे कि आपको जब स्वामी आपको प्राइज दे रहे हैं और आप उन्हें भी पीछे कर दे रहे हैं, तो थोड़ा आप जैसे कि बना के रखें, ऐसा ना करें। जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट महोदय की बातों को। अभी डांस कॉम्पिटिशन में जो आए हैं वो है कैसे नृत्य इन्होंने किया और इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त होता है कोरियोग्राफी डांस कॉम्पिटिशन में। इतने सारे प्रतिभागियों में एकदम ही बगल में है, तभी वाला में थोड़ा बगल बगल थोड़ा दूर वाला बगल था, अभी ये वाला एकदम बगल में है। हमको लग रहा है कोई मेरा जजिंग सीट देख लिया है। दूसरे स्थान पे आए हैं एस से सत्र।
किया है और बहुत अच्छे से इन्होंने नृत्य किया, आपको बहुत बहुत बधाई, या जोरदार तालियों के साथ इन्हें बधाई दे और इनकी खुशियों में शामिल हो। और अब ये समय है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, एकदम चीटिंग है, आप लोग कैसे जान जा रहे हैं। पहला स्थान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बधाई हो रांची पेरिस। से थोड़े दूर है, थोड़े से ज्यादा तो नहीं, नहीं 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 ज्यादा दूर है। क्या लगता है कौन सा पेरिस होगा? तीसरे स्थान को प्राप्त किया है ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन में डी से लेकिन अभी जिन्हें मिला उसके पास है। क्या लगता है धनबाद के पास क्या है? एच से जजों के मन को सबसे ज्यादा मोहा है, सबसे ज्यादा मोह लिया है। क्या लगता है आपको किसका गाना सबसे अच्छा लगा? अभी जो पेरिस है वो रांची के ही पास है। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? और इसका नाम शुरू होता है मसीही है। हम लोग गिरजा जाते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल को इतने पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, है ना, तो कितने उस पानी में तैर पाए। आइए हम उस चीज को देखते हैं। तो बाइबल क्विज कंपटीशन में तीसरे स्थान को प्राप्त किया है बगल वाले पेरिस ने, एकदम रांची के बगल में। कैसे?
इसके बाद क्या लगता है दूसरे स्थान कौन हो सकता है? वही पेरिस जिसके यहाँ बाद में धन आता है। वो थोड़ा सा दूर है और इसका नाम होता है टी से। पहला स्थान प्राप्त किया है तब का नाम टी से। हमें कुछ भी उसके जाइए कुछ भी उसके आने करना है। आराम से आराम से आराम से थोड़ा सा आप लोग डिसिप्लिन में ध्यान रखिए। हम समझ जिन्होंने प्राप्त किया है क्या लगता है कौन है? अरे अपने ही फिर इसका नाम ले लीजिए, आप लोगों को भरोसा नहीं है आप लोग अच्छा से लिखे हैं। तीसरे स्थान को जिसने प्राप्त किया है वो भी रांची के अगल बगल है और इसका नाम होता है एच से। इनका नाम हम पहले ले चुके हैं और अभी सेकेंड प्राइज में लिए थे। क्या लगता है कौन है जिसने जीके कॉम्पिटिशन में दूसरा प्राइज लिया है? जिसके यहाँ पहले धन नहीं आता है बाद में आता है। तो 16 सॉन्ग बॉयज में जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है कौन हो सकते हैं? नीचे है धरती और ऊपर क्या है? आसमान। तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है आसमान खल को कामदार पेरिस। इन्हें तीसरा स्थान मिला है बहुत बड़ी बात है। सुंदर गीत के साथ इन्होंने इस स्थान को प्राप्त किया है और क्या लगता है दूसरा स्थान किसे मिला होगा? क्या अभी कहलाता है मैंगो? तो दूसरा पुरस्कार जाता है आशीष मंडल मैंगो पेरिस। कितने सिंपल से ये ड्रम बजाते हुए देखा होगा।
बताइए, पता है पहला स्थान उसे मिल रहा है जो कछुए की तरह चल रहा था। पहला स्थान जाता है अंकित कछुआ भाटिया गर्ल्स में जाता है उसी को जिसके पास धन बाद में आता है। तो पहला सॉरी तीसरा पुरस्कार जाता है अनिशा हेड्रो धन बाद में। और बताइए अनिशा इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए। और दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है जो आती है किस पेरिस से, उनका नाम के से आता है। शहर क्रिकेट लगा कि बस अब तुम गाते ही रहो, चुप मत हो। किसका आवाज ऐसा था? ओहो, लगता है जजों के साथ आपके दिल भी मैच हो गए हैं। और पहला पुरस्कार जाता है महिमा शरण बदलते। ये कानों को सुकून दिया भी खराब है, लेकिन तब भी उन्होंने गीत को गाया और उन्होंने प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा स्थान जाता है उस पेरिस को। दूसरा स्थान उस पेरिस को जाता है अंडा, जिनके नाम में आता है अंडा लेकिन जजेस ने उन्हें नहीं दिया अंडा, और उस पेरिस का नाम है डोरंडा। सुमित बेदिया फ्रॉम डोरंडा पेरिस। पहला पुरस्कार उस पेरिस को जाता है। चलिए आप लोग गेस कीजिएगा, मैं एक्ट करूंगी, ठीक है? जो बातें परमेश्वर ने डाली उन बातों को उन्होंने कहा और उन्होंने स्पीच कॉम्पिटिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम आगे बढ़ते हैं स्पीच कॉम्पिटिशन गर्ल्स। प्रेरणा मिली है। तीसरा पुरस्कार जाता है प्रेरणा। जाता है एक ऐसे पेरिस को जिस पेरिस के नाम में आता है गढ़। इस बार तो आप गलत हो गए। दूसरा पुरस्कार जाता है सुजीता मंडू फ्रॉम सीतागढ़ पेरिस। आई एम जोरदार तालियों से अपने पेरिस के नाम को जानता है। और पहला पुरस्कार जाता है ऐसे पेरिस को जो बहुत दूर है। इतनी बड़ी भीड़ में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। उनके सुंदर वक्तव्य को सुनकर, उनके सुंदर बातों को सुनकर सबने उनके वक्तव्य को सराहा और उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो सुमाली मंडू। आपने पहले स्थान को प्राप्त किया है अपने मेहनत और परमेश्वर की आशीष से। आपको बहुत बहुत बधाई और पार्वती पेरिस को भी बहुत बहुत बधाई कि आपके खास
एक प्राइज आ गया है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन या फिर हम कह सकते हैं रैंप वॉक कंपटीशन। आज के दिन सुंदर सुंदर परिधानों में जो हमारे बीच में आए, क्या लगता है किसने तीसरे स्थान को लिया होगा? किसने तीसरे स्थान को लिया है? वो एक ऐसा पेरिस है जिस पेरिस में बहुत बगीचे हैं, हजारों बगीचे हैं। तीसरा स्थान जाता है हजारीबाग पेरिस और दूसरा स्थान जाता है जो तप कर सोना नहीं हुआ, तप कर कारा हो गया। किसे गया होगा, क्या लगता है? पता है पहला पुरुष का जिसे गया है ना, वो जो पेयर था वो बहुत ही क्यूट था, बहुत ही क्यूट था। मानेंगे ना इस बात को? तो पहला पुरुष का जाता है समारोह पेरिस, जिन्होंने बाप और बेटे का रोल किया था। पापा को भी दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम घर जाने को हैं और 10 बज चुका है। विदाई हो जाएगा, कल सवेरे भी हो जाएगा विदाई। और अभी हम चलते हैं घर मुरू की ओर, रांची से मुरू। और ठीक है, मेरा बहुत खुशी है प्यार के साथ आपको बताते हुए, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो उसमें से जो लाल रंग की चमचमाती हुई ट्रॉफी जो हमने आपको दिया है, डेमो एंट्री और उधर से भी एंट्री हो रहा है।